एवरीवन, मैं हूँ आयशा खान और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी न्यू रेसिपी लेके आई हूँ चिकन क्रैप्स की। और उसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें नीड है, उसमें है मैदा, 2 कप मैदा लिया है मैंने, 1 एग, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून शुगर, 1 ग्लास मिल्क। चलें हम क्रैब की रेसिपी जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। हाफ टी स्पून शुगर शुगर ऐड कर रहे हैं। इसमें नमक ऐड करेंगे, एग, ऑयल ऐड करेंगे, इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। ग्रेजुअली हम ये मिल्क ऐड करते जाएंगे इसमें। हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन रखनी है क्योंकि हमने इसके पैनकेक टाइप बनाने। कंसिस्टेंसी ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रैप बनाना। सोया सॉस 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड पेपर, 2 टेबलस्पून लहसुन गार्लिक पेस्ट है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 से 1/2 टीस्पून। 1 कप चिकन ली है मैंने, इसको क्यूब में कट कर लेना है। और ये मेरे पास चीज़ है जो हम क्रैप के अंदर फिल करेंगे चिकन के साथ। फिल करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रख दी थी, अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छे से मैरिनेट हो गई है। ये ऑयल है, मैं इसमें मैरिनेट की हुई अपनी चिकन डालूंगी जो मैंने मैरिनेट करके रख ली थी, जो रेसिपी मैंने आपको बताई थी सारे मसाले वगैरह डाल के। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ऑयल हमने 2 टेबलस्पून लिया है। आप लोग, फ्राई होने पर आ रही है मेरी चिकन, डन हो रही है। इसका लुक इतना अच्छा लग रहा है, क्रैप में जब फिलिंग होगी तो बहुत मज़ेदार लगेगी। ये मैंने क्रैब्स बनाकर इस तरह से रेडी कर लिए हैं सारे। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि इसको फोल्ड किस तरह से करना है। आपने ये स्ट्रेट इस तरह से रखना है। इसके ऊपर हम अपनी चिकन की फिलिंग करेंगे। इसके ऊपर चीज़, इस तरह से रख देंगे। एक तरफ से फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर आटे या मैदे की लई बनाकर इस तरह से लगाना है।
उसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे दूसरी साइड। अब हमने इसकी साइड पर लगानी है और इसके ऊपर भी लगा लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ से भी बंद कर देंगे। इसी तरह आपने यहाँ पे लगानी है इसके भी साइड पे ऐसे ही लगानी है और इसको यहाँ से ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, और आपने इसको इस तरह से रख देना है 2 मिनट के लिए ताकि ये सेट हो जाए। ठीक है, आप लोग ये दे सकते हैं, ये मैंने पहले से रेडी कर लिए थे। ठीक है, अब वन बाय वन इसको फ्राई करने जा रही हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये। चले हम फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से फ्राई करना है आपको। देखते हैं ये मेरे यमी यमी और क्रिस्पी से चिकन क्रैप्स चीज़ी की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। देख सकते हैं आप लोग कितने यमी लग रहे हैं और कितने सॉफ्ट हैं, ये देखें। मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने चीज़ी सॉफ्टी और ये कितने यमी लग रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा ये। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं ये कितने चीज़ी और क्रिस्पी और सॉफ्ट हैं। तो आप लोग ये लंच में ले सकते हैं और बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट में ही बना के दे सकते हैं उनके स्कूल के लिए। तो आप लोग ये डिप यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ खा सकते हैं, बहुत यम्मी और मज़े के लगेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें प्लीज़। और मेरी रेसिपी आई थिंक आपको अच्छी लग रही होगी और ये आप लोग अपने अफ्तार में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े के और बहुत क्रिस्पी लगेंगे और आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। इसके साथ ही अपनी होस्ट आयशा खान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।
डिलीशियस और यमी बने हैं ये, अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर देते रहे करें प्लीज़ आप लोग। और आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको कुछ अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की ट्राई करूँगी।